सिलेबस के संबंध में जो बार बार लोगों की चर्चा होती रही है कि सिलेबस का विस्तार किया जाए, तो सिलेबस का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने जरूर स्पष्ट आउट कर दिया है कि प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो हमारा फंडामेंटली हम लोग कह रहे हैं कि जो पढ़ाते हैं वही सिलेबस हुआ, जो बच्चों का जो सिलेबस है वही सिलेबस है। और उसी को हम और स्पष्ट कर दें कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो SCERT का जो सिलेबस है के हिसाब से जो सिलेबस है वही राज्य सरकार का सिलेबस है, वही राज्य के विद्यालयों में लागू है और वही इस तरह के अध्यापकों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए वो सिलेबस होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए। और जो 9th-10th और फिर उसके बाद 11th-12th के लिए जो है मामला, उसमें राज्य सरकार के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है वो NCERT के पाठ्यक्रम का जो है वही है, इसलिए वो उसी से गाइडेड होगा और वही है। इसलिए अगर किसी भी अभ्यर्थी को सिलेबस विस्तार से अगर समझने की ज़रूरत है तो वो बस उन्हीं को देख लेंगे तो उनके वो जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो लोगों की एक मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे के हैं लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, उससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे और जो अच्छे नहीं हैं उतने स्मार्ट नहीं है वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन में। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वह ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ, पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये एक बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है और सरकार ने संसूचित किया है और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे।
और अपियरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको ज़्यादा स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया। ये नियमावली में आपको सरकार से ही पूछना चाहिए, क्योंकि नियमावली के बारे में कोई भी बातें जो हैं कि उनका क्या होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बताने के लिए। हम सिर्फ नहीं कह सकते हैं कि नियमावली में जो प्रावधान दिया हुआ है उसमें भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, वही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, और फिर मैं कहूँगा कि अटकलबाजी पर कोई न्यूज़ न चलाएं। सबसे अच्छी बात होगी कि जो विषय सरकार से संबंधित है वो सरकार से पूछें। हमें तो 1,70,000 समथिंग का हमें जो अधियाचना प्राप्त हुई है, हम उसके आलोक में अपनी बात बता रहे हैं। अब ये उसमें नियोजित शिक्षक का पद है नहीं है, उसको क्या किया गया है, इसके बारे में तो आप सरकार ही बता सकती है, हम नहीं जानते हैं, हमें जानना भी नहीं है। इसलिए बुलाने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि कुछ कंफ्यूजन लोगों के मन में है, और कुछ उस कंफ्यूजन के कारण से जो गलत समाचार लोगों के बीच में जा रहा है। पहली बात कि कल जो हमारी बैठक हुई वो बिल्कुल ही सार्थक बैठक हुई और उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चाएं हुई, और एक और जो गलतफहमी है लोगों के मन में कि विभाग और आयोग के बीच में मतांतर है, न ऐसा कोई मतांतर पहले था और न ऐसा कोई मतांतर कल था और न ही ऐसा कोई मतांतर अभी है। दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है और हम लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप में कार्य करते हैं, इसमें कहीं कोई मतांतर नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने महसूस किया कि आप लोगों को कुछ फैक्चुअल बातें, तथ्यात्मक जानकारी कुछ दे दी जाए, ताकि अनावश्यक जो संशय और अनावश्यक कन्फ्यूज़न जो हो रहा है लोगों के मन में वो दूर हो सके। पहली बात कि सारे मुद्दों पर डिस्कशन हो चुका है, और ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसका निर्णय विभाग को ही करना था, और ये मुद्दे जो हैं वो तमाम इस दौरान अभ्यर्थियों के द्वारा ही उठाए गए हैं, और उन्हीं सब बिंदुओं पर विभाग को निर्णय लेना था, और इसी कारण से उसमें विलंब भी हुआ। जो पिछली बैठक में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम लोग इसको जल्दी निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों के तरफ से ही कई तरह की बातें आ रही थी, मांग आ रही थी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मांग यह था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशिक्षण डीएलएड का जैसे है, उसके लोगों की मांग थी कि हमको भी मौका मिले। हर लोगों को अपने अलग अलग कारणों से लोगों की मांगें हो रही थी, तो इन सभी मांगों पर विभाग को ही विचार करके देना था, और विभाग ने विचार भी किया है, और उसके बाद उन सब बिंदुओं को आयोग को स्पष्ट भी किया गया है, और उसके आलोक में आयोग ने अपना विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया है। और अधिक से अधिक कल तक जो है ये हम लोग प्रेस में भेज देंगे, उसके बाद वो हो सकता है आज भी चला जाए, हो सकता है कल चला जाए, लेकिन ये इस महीने के अंत में तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि 1 जून का जब सुबह में आप लोग देखेंगे तो जरूर उस समय तक आप लोगों को जानकारी रहेगी।
कुछ बातों का हम मैं खुलासा कर दूं कि जो परिवर्तन जो कुछ हुए हैं कुछ अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए, वो मैं कुछ चीज़ों की जानकारी दे देता हूँ। तिथि पर करते थे वो हम लोग अलग अलग तिथि पर नहीं करेंगे, एक ही साथ करेंगे। ये 15 जून हाँ उसके आसपास, तब तक लोग भी अपनी तैयारी कर लें, हम भी अपनी तैयारी करेंगे और अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी कर लें, आप प्रमाण पत्र सब इकट्ठा कर लें। अब रही बात की, एक और पॉइंट है आरक्षण से ही संबंधित कि नियमावली में ही दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए जो प्राथमिक विद्यालय के लिए मामले में प्राइमरी स्कूल में वो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। और उसका वैसे भी पूरा जो ब्रेकअप है जो पद की जो रिक्ति के रोस्टर वाइज मतलब आरक्षण कोटिवार, वो भी हम लोग वेबसाइट पर डाल देंगे और उसमें भी लोग देख सकते हैं कि किस विषय में किस किस कैटेगरी आरक्षण कोटिवार सब देख सकेंगे। उसमें कुछ जो छूट जितनी तरह की छूट है वो विज्ञापन में आप पढ़ लेंगे, जैसे विषय के हिसाब से भी, जैसे कंप्यूटर के मामले में भी लोगों की जिज्ञासा थी और कितना प्राप्तांक क्या है, वो सारा डिटेल्स जो है वो आपको विज्ञापन में मिल जाएगा। आपको उसमें जितना भी डिटेल्स है उसमें इतने ढेर सारे, अगर मैं उसी की परीक्षा ले लूँ अगर तो शायद उसमें भी हम लोग भी फेल कर जाएंगे। हर तरह की वो परीक्षा में वो दे सकते हैं, बशर्ते कि वो परीक्षा आयोजित तो हो। अगर मान लीजिए उसने अभी तक न सीटेट किया है, न बीटेट किया है, न एसटीईटी किया है और न ही ग्रेजुएशन किया है और फिर भी वो आकर के कह रहा है कि हमको संभावित है सारी परीक्षाएं एक साथ हो, तो अगर वो अगर हो जाता है सो फॉर सो गुड, उसका लक। मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा अगर उसकी संभावित है तभी ना वो उसको उपयोग कर सकेगा, अगर संभावित ही नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा। अगर वो संभावित ही नहीं है तो गलत बयानी कैसे कर सकता है वो। अब ये कहेंगे कि अगले साल वो परीक्षा होने वाली है तो उसका दावा आज ही कर लें, वो गलत बात हो जाएगी और वो दावा नहीं कर सकेंगे। और वैसा अगर गलत करते हैं तो फिर वो अपना चांस गंवाएंगे ही नहीं बल्कि आगे के लिए डिबार भी हो जाएंगे। ये एक छूट है उनको, उनको ये छूट दिया गया है कि वैसे कैंडिडेट जो कि वाकई में इसका लाभ लेने के लिए योग्य होंगे, मतलब कि उनकी परीक्षा, जैसे बहुत सी परीक्षा अभी जान रहा हूँ कि जैसे बीएड की परीक्षा है, अभी बीएड पटना यूनिवर्सिटी से भी कल हम लोगों ने चर्चा किया कि बीएड की परीक्षा अभी हो गई है शायद और उसका परीक्षा फल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक है कि यह परीक्षा फल बाद में घोषित अगर होता भी है, चाहे 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना हो, जब भी हो, हम उनको मौका देंगे क्योंकि परीक्षा हो गई है संपन्न। तो परीक्षा फल निकलने में अगर विलंब भी अगर होता है तो उसके लिए हम उसको डिबार नहीं करेंगे, उसके लिए हम वंचित नहीं करेंगे, हम उनको मौका देंगे। तो ये कट ऑफ डेट की बात हो गई। अब एक मेरा एक लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बार लोग गलत गलत अटकलबाजी के आधार पर लोग जो समाचार डाल देते हैं उससे थोड़ा परहेज करें। और एक बड़ा मामला आ रहा है जिसमें लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जब आयोग आज तक मात्र साल में या इतने वर्षों में कुछ ही हजार नियुक्तियां जब कर पाई हैं तो यह आयोग 170,000 नियुक्ति करने में 5 वर्ष से 10 वर्ष और कुछ कितने वर्ष लगाएंगे लोग। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज में करीब 6 लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं और फाइनली सिलेक्शन जो होता है 800-900 कभी 300 इस तरह से होता है, तो क्या बाकी अभ्यर्थियों का हम मेधा मेरिट लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके कॉपीज का या ओएमआर शीट का हम इवैल्यूएशन नहीं करते हैं? हम तो करते ही हैं। हमको अगर 6 लाख लोगों का अगर परीक्षा देगा तो सभी 6 लाख लोगों का हमको ओएमआर शीट का इवैल्यूएशन तो करना ही है। अब वैकेंसी जितना रहेगा हम उतना पास ऑन कर देंगे, हम तो सभी 6 लाख का करते ही हैं ना, उसके लिए हम 5 साल तो नहीं लेते हैं। तो इस तरह का जो गलत बयानी जो लोग कर रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर उसमें अगर आप लोग भी अगर वैसा साथ देते हैं तो आप लोग भी उसके हाथ की कठपुतली बनते हैं। तो आप समझ लें कि हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं है, क्या वह
इससे तो यही पता चलता है कि ऐसे बोलने वाले लोग और ऐसी ऐसे कुतर्क देने वाले लोग जो हैं वो पब्लिक को क्या समझते हैं, महाबेवकूफ समझते हैं। तो खैर ये उनके उनकी सोच है, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग हंस रहे हैं तो आप लोग समझ चुके हैं कि हम अगर 6 लाख लोगों की परीक्षा लेंगे तो हम सभी का ना मार्किंग करेंगे, सभी का ना मेरिट बनाएंगे, उसमें से ऊपर से जितने लोगों का वैकेंसी होगा अपने को दे देंगे, जितने सिलेक्शन हुए। 5 साल नहीं लेंगे हम, 5 महीने भी नहीं लेंगे हम इसमें, और हम इसमें जल्दी ही करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कंबाइंड सिविल सर्विसेज का अगर 1.5 महीने में रिजल्ट निकालते हैं तो इसमें हमारी करीब 4 परीक्षाएं हैं, क्योंकि एक का 3 पद हो, 3 तरह के पद हैं और एक क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्या हम 4 गुना समय लेंगे? नहीं, हम उसमें 2 से 3 महीने में हम लोग इसका रिजल्ट निकाल देंगे, और निश्चित तौर पर इस कैलेंडर ईयर में हम रिजल्ट निकाल देंगे। अब रही बात कि आवेदन, हम लोग इसको आमंत्रित करने का डेट थोड़ा आगे रखेंगे, क्योंकि इसमें इतने कई इसमें रिलैक्सेशन की बातें, जैसे एज के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 है, और ये शिक्षक नियमावली से जो नियुक्ति नियमावली है उसी में है ये दिया हुआ। न्यूनतम और अधिकतम दोनों के लिए यही कट ऑफ डेट है, लेकिन इसके बाद इसमें अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग मामलों में इसमें कट ऑफ डेट के बाद रिलैक्सेशन भी अलग अलग है, किसी में 10 साल है, किसी में 14 साल है, किसी में 11 साल है। एससी एसटी के लिए कोई बार नहीं है, एससी के लिए एक बार है कि उसके साथ रेसिडेंशियल जरूरी है। इस बीच में मेरा ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। हम मान के चलते हैं कि हम लोग करीब 2 सप्ताह का टाइम उनको दे सकते हैं, और भी उसके बाद आवेदन जमा करने में भी उनको कुछ टाइम मिलेगा, तो 2 से 3 सप्ताह का हम लोग आवेदन जमा करने का भी समय देंगे। कहने का यह मतलब है कि वो भी अपना कमर कस करके तैयारी भी करें, पढ़ाई भी करें, और अपने जितने प्रमाण पत्र हैं उसकी व्यवस्था भी कर लें, ताकि जब वो अप्लाई करें तो उनके पास में सभी डॉक्यूमेंट रहे उस समय, बाद में दौड़ धूप करने की ज़रूरत ना पड़े उनको, अब बाद में वो कठिनाई ना हो। अब रही बात कि ये नेगेटिव मार्किंग की जो बात आपने जो किया, और है तो इसमें कई ऐसे हैं जिसको लेकर के हमें अपने आवेदन ऑनलाइन आवेदन, चूँकि हम ऑनलाइन ही लेंगे, इसमें ऑनलाइन आवेदन को तैयार करने में हम लोगों को समय लगेगा उसके लिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन देंगे ऑनलाइन और जिनका परीक्षा फल निकला हुआ है और बाकी जो प्रमाण पत्र, जैसे उनको अपने आरक्षण संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, EWS संबंधी प्रमाण पत्र हैं, डोमिसाइल संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उनको वो आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य है। ये नहीं होगा कि हम बाद में हम दे देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, अब डिक्लेयर कर देते हैं लोग और बाद में बोलते हैं कि हमारे ला रहे हैं नहीं लाते हैं। इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि नहीं, आपको उसी के साथ ही देना है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 15 दिन का टाइम रहेगा, आप बना लीजिए, आप बनवा लीजिए इस बीच में, लेकिन जब आप देंगे जमा करेंगे आवेदन तो आप सभी दस्तावेज के साथ जो प्रमाण पत्र आपके हैं, परीक्षा फल अगर आपका निकला हुआ है तो वो भी है, वो सभी को की छायाप्रति आपको लगा करके ही देना है, बाद में उसमें लगाने का या जमा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद में सिर्फ जो प्रमाण पत्र आप लगाए हैं सिर्फ उसी का मूल प्रति आपको सत्यापित कराना होगा। हम लोग प्रायः देखते हैं कि EWS के मामले में खास करके, या क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेकर के जो आते हैं पहले डिक्लेयर कर देते हैं, या फ्रीडम फाइटर का जैसे लेकर के आते हैं डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला हमको सर्टिफिकेट, नहीं मिला, और बाद में अपना दावा को विड्रॉ करते हैं। तो ऐसी बात की गुंजाइश नहीं होगी, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो काइंडली आप न वैसी दावा करें,
और अगर आपका एक साल बाद तो नहीं मांगते हैं ना, हम तो पूरे प्रक्रिया में एक साल थोड़ी लेंगे हम। अभी हम इसकी बात करें, एक साल क्या हम समय नहीं लेने वाले हैं। आपका आवेदन के समय में आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट होगा, आप तभी आप अप्लाई करें। जो आप दावा करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में अगर परीक्षा फल नहीं है तो स्वाभाविक है कि आप उसका दावा नहीं कर सकते। तब आपको आपके पास संभावित जो परीक्षा फल जो परीक्षा होने वाली है, या आप ये घोषणा आपको देना होगा कि अगर आपने परीक्षा दे दिया है और आपके पास में सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है प्रमाण पत्र, तो आपको ये अंडरटेकिंग देना होगा कि आपने परीक्षा दे दिया है या परीक्षा होने वाली है और आप उसमें देने वाले हैं, और आप समय पर आप जब मांगा जाएगा तो सत्यापन के समय में आप मूल दस्तावेज दे पाएंगे, अन्यथा आपकी पात्रता नहीं मानी जाएगी, स्वीकार नहीं की जाएगी। ये चीज उनको देना होगा अंडरटेकिंग। रिजर्वेशन और डोमिसाइल कितना पुराना चलेगा? देखिए, रिजर्वेशन की बात जो है, आरक्षण तो अगर EWS का जैसे उन्होंने कह दिया कि एक साल का है, लेकिन अगर दूसरे जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं जाति आधारित जो आरक्षण है, उसमें मैं समझता हूँ कि डेट का तो कोई है या NCLC जो क्रीमी लेयर का अलग रहेगा, जो क्रीमी लेयर रहता है वो करंट होना चाहिए, और ये जो EWS का बोले हैं वो फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसे फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई आ रहा है कट ऑफ। नहीं, ये आपने कहा नेगेटिव मार्किंग के लिए, इस पर भी लोगों ने बहुत चर्चा किया कि मतांतर है। ऐसा कोई मतांतर नहीं है, किसी भी बिंदु पर कोई मतांतर नहीं, और सबकी सहमति से और अपने अपने क्षेत्राधिकार से, जिसको जो क्षेत्राधिकार है विभाग का, आयोग का जो क्षेत्राधिकार है, उसके उन सीमाओं में रहते हुए और आपस में विचार विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मेन पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और कोई चार में एक रहेगा सर, उसके बारे में जब हम भी जब क्लियर हो जाएंगे तो आपको बता देंगे, राइट? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि समय आने पर जरूर बता दिया जाएगा, और कैंडिडेट्स को हम लोग एग्जामिनेशन देने के पहले उनको जरूर बता देंगे, लेकिन उससे आप ये आप स्वयं सोचें कि उससे क्या हमारे परीक्षा की तैयारी में कोई अंतर आएगा क्या? हम चार लें, ऑप्शन दें, पांच ऑप्शंस दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा की तैयारी तो आदमी को ईमानदारी से अपना करते ही रहना है ना, और नेगेटिव मार्किंग है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी सीरियसनेस तो ऐसे ही आ जाएगा। आम को अमरूद के साथ मत तुलना करें। आप हेडमास्टर जो थे वो क्या सरकारी शिक्षक थे या नहीं थे? उसके जो अभ्यर्थी थे वो सरकारी शिक्षक थे कि नहीं थे? और वर्तमान के जो इस मामले में जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी हैं कि नहीं हैं? तो आम और अमरूद को आप कैसे आप बराबर करके चलते हैं? अब जिसको भी आप आम समझिए, जिसको भी अमरूद समझिए, लेकिन आप अपनी विवेक से अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी तुलना और उसमें अभ्यर्थियों के तैयारी की तुलना इससे मत करें। ये भिन्न परीक्षा है, वो भिन्न परीक्षा थी, उसके भिन्न अभ्यर्थी थे, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था, उनका स्टेटस डिफरेंट था, इनका स्टेटस डिफरेंट है, इनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है? इसमें सर दोनों का तो हमको उसका आवासीय जो है प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती ही है और पड़ेगी। अब जैसे कोई व्यक्ति रेंट में रहता है तो उसका जो अगर ये यहाँ बनेगा तो अस्थायी बनता है? हमें स्थायी निवासी चाहिए। तो बन जाता है स्थायी निवासी का बिहार के पास, इसलिए जो परीक्षाएं हुई है उसमें बिहार राज्य की जो महिला उम्मीदवार है उनको कुछ खास जो पात्रता परीक्षा है उसमें परसेंटेज का छूट दिया है जनरल में, उसको कैरी करेंगे या? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि इतने ढेर सारे उसमें छूट के कंडीशंस हैं
एज में है, जो अपनी जो प्राप्तांक है उनकी परीक्षाओं में उसमें है, सबके लिए अलग अलग है और उसमें फिर छूट भी है, इस पूरे चीज़ों को एक बारगी अगर आपसे पूछा जाए तो कोई नहीं बता सकेगा। बेहतर होगा कि विज्ञापन में हम लोग उन सारे पॉइंट्स को डाल रहे हैं, उसको आप पढ़ें और समझें और उसके हिसाब से फिर अपना निर्णय लें कि क्या है क्या है, नहीं है। एक और सवाल, एग्जाम की तारीख जो आपने टेंथ के लिए बताया उसमें तो फेज बदल परिवर्तन, अभी तो अभी टेंटेटिव है। टेंटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अनुमानित है, संभावित है, अभी अस्थाई रूप से वो तय किया हुआ है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगर आयोग का भी हाल फिलहाल के समय में, तो आप समझ लें कि यह टेंटेटिव जो चीज़ है यही अस्थाई है कि स्थाई है, यह आप स्वयं निर्णय ले लें। ये हमारे हिसाब से तो अभी हमारे लिए तो वही स्थाई है, घोषित कर दिया और पाठ्यक्रम भी हम लोगों ने पहले घोषित कर दिया, क्योंकि अभ्यर्थी उनको पर्याप्त समय मिल सके और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी तैयारी पर ध्यान दें और इधर उधर के अफवाह पर ध्यान न दें। मुझे आप लोग से भी बार बार अनुरोध है कि ऐसे कुतर्क जो अभी मैंने जिसकी चर्चा किया और कुछ और भी जो अनावश्यक, अरे हमारे और विभाग के बीच में मतांतर नहीं, आप लोग शायद चाहते हो ऐसा तो अब दूसरी बात है, लेकिन हमारे विभाग के बीच में कोई मतांतर नहीं है। लेकिन आप कल या परसों जब विज्ञापन आपको जब देखने को मिलेगा तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि इतने ढेर सारे कंडीशंस को देख करके उसमें जो माइंड अप्लाई करना होता है, कितने बिंदुवार उसको जो समझना होता है, उसके इनको डिटेल्स को बिना समझे हुए, उसका इंट्रिकेसीज को बिना समझे हुए इसको तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चीज़ स्वाभाविक तौर पर इतना भारी भरकम है, इतना इसमें काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, उसको समझ करके तैयार करने में समय लगना स्वाभाविक है और अब वो समय आ चुका है, हम लोग कर रहे हैं। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है तो वो भाग ले सकते हैं। तो परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए होंगे, वही ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले लें। सबके लिए कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचें अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षाएं उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है, या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है तो भी वो दे सकते हैं, और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें कि वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अर्हता संबंधी कोई भी परीक्षा उनको, लेकिन ये नहीं होना हो सकता है कि अगर इस कट ऑफ डेट के बाद वाली परीक्षा में भी अगर वो बाद में अगर कोई परीक्षा होने जा रही, अगले साल कोई परीक्षा होने जा रही है, तो आज झूठा डिक्लेरेशन दे करके वो अपीयर हो जाए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग और भी हम लोग उसको वचनबद्धता लेंगे
और अगर उसमें अगर वो पाते हैं कि नहीं उसने एडमिट कार्ड उसके पास में नहीं है उस तरह की परीक्षा का, तो फिर हम लोग उसको ब्लैकलिस्ट वगैरह करने की, गलत बयानी के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात करेंगे। जो परीक्षा 31/8/2023 तक संभावित है, वैसे ही मामलों में, और उनका अगर उसमें कोई परीक्षा अगर रुका हुआ है या परीक्षा फल रुका हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सर इसका जो सवाल था ना, इसका सवाल ये था कि बीएड या सीटेट, जो सीटेट मान लीजिए कि सीटेट भी लंबित है, 8 से 31 अगस्त तक हो गया सीटेट, तो वो भी अप्लाई कर